नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 21 अगस्त 2021 है। 21 अगस्त 2021 की बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें क्या है? अब बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की मनमानी नहीं चलेगी, यानी अब कोई भी शिक्षक अगर अपनी ड्यूटी से गायब हुए तो उनका वेतन कट जाएगा। सरकार शिक्षकों के मसले पर गंभीर है, विभाग ने औचक निरीक्षण शुरू कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 9 से 13 अगस्त के बीच चलाए गए औचक निरीक्षण में कुल 18 जिलों के 165 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। नो वर्क नो पे के सिद्धांत पर इनके वेतन काट लिए गए। ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने वाले शिक्षकों में पूर्णिया जिले के 2 शिक्षक हैं। इसके अलावा रोहतास के 67, मुंगेर के 10, पटना के 6, गया के 2, जहानाबाद के 1, औरंगाबाद में 11 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं। साथ ही पूर्वी चंपारण के 6, शिवहर के 11, समस्तीपुर के 4, सहरसा के 6, अररिया के 9, बांका के 1, शेखपुरा के 2, खगड़िया और बेगूसराय के 2-2 शिक्षक अनुपस्थित मिले हैं। विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। नालंदा में एसिड अटैक मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस अनुसंधान में एक नई बात सामने आई है कि खुद प्रेमिका ने ही प्रेमी से एसिड अटैक करवाया था। पुलिस का अनुसंधान अभी जारी है, पुलिस इस मामले की तह तक जाएगी। सोन नदी में बालू के अवैध खनन को रोकने गई पुलिस के ऊपर माफियाओं ने हमला कर दिया, जबरदस्त पत्थरबाजी कर दी गई। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में वहां पुलिस पहुंची और हमलावरों की खोज करने लगी। सुपौल में दर्दनाक हादसा हो गया, बाइक सवार 3 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया। इनमें से 2 की तत्क्षण ही मौत हो गई और तीसरा गंभीर रूप से घायल है। इस घटना से कोहराम मच गया है। मरने वालों में सोगालाल चौपाल और उनके पुत्र का साला अजय चौपाल है। सोगालाल अररिया जिले के जयनगर का निवासी था। वह अपने पुत्र एवं पुत्र के साला अजय के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर सिंहेश्वर जा रहे थे। लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक पर पिकअप वैन और मैजिक वाहन के बीच टक्कर हो गई। इस घटना में हुसैना गांव के विशाल रविदास उर्फ पंकज रविदास की मौत हो गई। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 3 को बेहतर इलाज के लिए भेजा गया। अब सड़क दुर्घटना में मरने वालों के आश्रितों को 5 लाख रुपए मिलेंगे, साथ ही गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। यह प्रावधान 15 सितंबर से लागू हो जाएगा। इस साल बिहार के 66 पैरामेडिकल संस्थानों के विभिन्न कोर्स में नामांकन होगा। ये सभी संस्थान राजकीय व अराजकीय होंगे। बिहार के गया जिले के वजीरगंज में धरती के अंदर से गड़गड़ाहट की अजीब सी आवाज को लोगों ने महसूस किया है। यह मसला कौतूहल का विषय बन गया है। पटना में मेट्रो चलाने की तैयारी जोरों पर है। अब जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा। सृजन घोटाले के मामले में CBI ने 2 लोगों को उठाया है। दोनों से गहन पूछताछ चल रही है। इन दिनों पटना समेत बिहार के सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में वायरल फीवर के मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अब इनकी कोरोना जांच कराई जाएगी। हथियार तस्करी और नक्सली गतिविधि के मामले को लेकर NIA की टीम ने पटना एवं आसपास के 3 जगहों पर तलाशी ली। इससे इलाके में हड़कंप मच गया है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि बिहार सरकार के कर्मियों एवं पेंशन भोगियों को जुलाई माह से महंगाई भत्ता मिलेगा। यह घोषणा बिहार सरकार ने की है। भागलपुर जिले के ततारपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण कर लिया गया है। आरोप बांका के एक युवक पर लगा है। अपहरता उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बताई जा रहे हैं। बिहार के भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया है। आरोप बांका के एक युवक पर लगा है। अपहरता उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बताई जा रही है। पटना के खुशरूपुर में जन शताब्दी से कटकर 3 लोगों की मौत हो गई। लाश के इतने टुकड़े हो गए हैं कि पहचान नहीं हो पा रही है। वहां से मिले एक डायरी से भी पता नहीं चल पा रहा है। गोपालगंज में बथना कुट्टी बाजार के समीप पुलिस वाहन और ट्रक की टक्कर हो गई। इस घटना में एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक बाइक पर सवार 3 युवकों में से पीछे बैठे एक युवक ने ड्राइव कर रहे युवक को पीछे से ही सिर में गोली मार दी। वह वहीं गिर पड़ा। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मोतिहारी के लुक्सा गांव के वीरेंद्र चौधरी के रूप में की गई है। घटना मोतिहारी जिले के विजयी चांदपुर गांव के पास घटी बताई जाती है।
पुलिस इस मामले की गहन तफ्तीश कर रही है। भागलपुर से शीघ्र ही हवाई सेवा शुरू करने के लिए केंद्र से बात करने का आश्वासन बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कही है। इससे भागलपुर के लोगों में हर्ष का माहौल हो गया है। सुपौल के बधली सुंदर चौक पर एक अज्ञात वाहन ने टेंट कर्मी अरुण मुखिया को कुचल डाला। वह खूंट का निवासी था। लखीसराय के टोल प्लाजा के पास डीएम के ड्राइवर से टोल प्लाजा कर्मियों ने बदसलूकी कर हाथापाई कर दी। इस घटना के बाद दो टोल कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पूर्णिया में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष नीरज यादव के नेतृत्व में मनाई गई। कोडिया यूनिवर्सिटी के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर राजनाथ यादव को जन अधिकार पार्टी के छात्र संघ के पूर्णिया कॉलेज अध्यक्ष करण यादव ने बुके देकर स्वागत किया। कल यानी 22 अगस्त को रिश्तों की डोर मजबूत करने वाले त्योहार रक्षा बंधन के अवसर पर बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधेंगी। इसको लेकर आज से ही घर घर जश्न का माहौल है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज 9X सब्सक्राइब करें।